हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव घई और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होने वाले जो कि मैं लास्ट वीडियो से कवर करते आ रहा हूँ। आज की वीडियो में हम सिंपल 5 कॉन्सोल लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जी हाँ, 5 कॉन्सोल लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने इसके सही आंसर दे दिए then mark it down that you can easily clear any JavaScript interview and I can write it on a blank paper. Yes, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन इतने सिंपल हैं, मतलब अगर आपने इसके आंसर दे दिए तो चांस ही नहीं है कि आपके JavaScript इंटरव्यू आप कहीं का भी क्रैक ना कर पाओ, एंड आई रियली मीन इट। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड एंड तक जरूर देखना गाइस। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, साथ में उसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा ब्रेकडाउन होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स फाइनली आ चुका है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 20th of December है, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रोसेस लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू देने तक का चांस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको 1 रुपए का भी आपको पहले कुछ पे नहीं करना है, एंड प्लेसमेंट जिसमें मिनिमम 5 लाख पर एनम का है। तो बेसिकली प्लेसमेंट से पहले आपको 1 रुपए पे नहीं करना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाके चेक करो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है वो क्वेश्चंस जो आप दे सकते हो मेरी स्क्रीन में। कॉन्सोल लॉग ये 5 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, बट आपको सबसे पहले एक एक करके आंसर अपने सोचो, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ भी करो, बट इसका आंसर रिवील करने से पहले आपको मुझे इसका आंसर बताना है। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट कॉन्सोल लॉग। तो आप देख सकते हो कॉन्सोल लॉग 3> 2> 1। ये क्वेश्चन गाइस इतने सिंपल है, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, इनमें से आपको या इनसे रिलेटेड आपको तो जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर सबसे पहले आप में से कोई कमेंट करके बताओ या अपना लिख लो कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल विल से द आंसर इज ट्रू, एम आई राइट और नॉट? अगर आप में से बहुतों ने ये सोचा है कि 3 इज ग्रेटर देन, देन 3 ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ट्रू, सो आई एम सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। क्यों भाई? भैया 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, तो एज अ ह्यूमन ये तो मुझे ट्रू दिख रहा है, बट जावास्क्रिप्ट को फॉल्स क्यों दिख रहा है? तो चलिए करते हैं इसका ब्रेक डाउन। सबसे पहले गाइस, नॉर्मली अगर आपने नॉर्मल मैथ्स भी पढ़ा होगा, तो जब कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स, मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी एक सीक्वेंस में आते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं पहले। सो अगर मैं पहले इन 3 में से 2 को ब्रेक डाउन करूँ, तो नॉर्मली हम मैथ्स में भी यही करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रेक डाउन आप कुछ कह सकते हो ऐसे कुछ इस तरह से। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो भैया वो तो 3 > 2 > 1 एक बार में तो रीड करेगा नहीं, वो पहले इनको ब्रेक करेगा। पहले वो एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड उठाएगा, जो कि 3 and 2 ऑपरेंड है एंड दिस साइन इज द ऑपरेटर। तो पहले वो इन 2 के ऊपर अपना कैलकुलेशन करेगा। 3 > 2 क्या होता है, तो पहले हम ये देखते हैं 3 > 2 क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। ओके, सो 3 > 2 आ रहा है ट्रू। यस, 3 > इज ट्रू, एंड ट्रू अगर मैं यहां पे लिख दूं, इसको मैं रिवर्स करता हूं, मतलब मेरा ये ब्लॉक हो चुका है, वन सेकेंड, मेरा ये पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू वैल्यू आई। तो अब अगर मैं इसको इवेल्यूएट करूं, True > 1, अगर मैं इसको parenthesis से भी निकाल दूं, like this, true > 1 is false. Why?
अब ये आप कहोगे क्या है, बट अगर थोड़ा और इन डेप्थ जाओ, ट्रू का मीनिंग एज इन वन होता है, वन इज इक्वल टू ट्रू एंड जीरो इज इक्वल टू फॉल्स। इसको आप बोल सकते हो एक टाइप कन्वर्जन, जो कि अगर सामने का इंटीज नंबर है तो उसको एज अ नंबर कन्वर्ट करेगा, और ट्रू को हम एज अ वन इवेल्यूएट कर सकते हैं। वन इज नॉट ग्रेटर देन वन, वन इज इक्वल टू वन, जो कि आप देख सकते हो वन ग्रेटर देन वन आ रहा है हमारा फॉल्स। अगर मैं इसको लिख दूं इक्वल टू वन, तब आप कह सकते हो ट्रू। सो ये था सिंपल कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बोला है। ये अभी तो पहला क्वेश्चन था, अब धीरे धीरे आगे चलेंगे और मजा आएगा इस क्वेश्चन में, एंड आई होप यू गाइस विल ऑल्सो इंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि एक एक करके हम इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली वर्क कैसे करता है। पूरा रीजन इस वीडियो को बनाने का मेरा यही है कि आपको ये समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, फिर इंटरव्यू क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट का बच्चों का खेल होगा आपके लिए वो। चलिए इसको हम अब करते हैं कमेंट और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन इसी का रिवर्स कर दिया मैंने, हमने यहाँ थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन पूछा था, या अब हमारा वन लेस देन टू इज लेस देन थ्री है। अब आप मेरे से मुझे प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर, आइदर ट्रू फॉल्स और वट एवर, लाइक नॉट अ नंबर एंड समथिंग। आप में से मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि लेफ्ट टू राइट वर्क करता है हमेशा जावास्क्रिप्ट, जब भी आप कोई चीज इवेल्यूएट करते हो। अगेन यू कैन मेक इट लाइक ब्रेक डाउन इन पैरेंथेसिस, सो वन इज लेस देन ट्रू इज ट्रू, वन टू से छोटा है, ट्रू इज इक्वल टू वन, सो ये ब्लॉक को हम एज अ वन काउंट कर सकते हैं आप। सो वन इज लेस देन थ्री, यस ट्रू, सो इसका आंसर बेसिकली है ट्रू। मैं चलो मैंने ही आपको आंसर बता दिया, बट नो प्रॉब्लम। सो अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ उसको मैं, तो जल्दी से इसका देखते हैं आंसर क्या है। या इसका आंसर है हमारा ट्रू। मैं आपको दोबारा से एक बार ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कैसे मैंने ब्रेक डाउन करा इसको। पहले दो ऑपरेंड के ऊपर हम इवेल्यूएट करेंगे, तो वन इज ग्रेटर देन टू, वन लेस देन टू, ट्रू। मैं अगर इसको हटा दूँ, यस ट्रू, एंड ट्रू को अगर हम एज अ न्यूमेरिकल वे में देखें, सो इट्स वन, तो ये पैरेंथेसिस हमारा इवेल्यूएट होगा एज अ वन। नाउ वन इज लेस देन थ्री, जो कि हमारा सेकेंड टाइप है, सेकेंड चेक है हमारा जो, एंड यस इट्स ऑल्सो लेस देन दिस। पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले हम लास्ट में वन को चेक कर रहे थे लाइक दिस, तो ये हमारा फॉल्स होता है, बट यस ये हमारा ट्रू है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो गया होगा, कैसे हम इवेल्यूएट करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड, ब्रेक डाउन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो चलो ये तो हो गया हमारे दो क्वेश्चन, आते हैं अपने हम थर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। और गाइज सिर्फ ये पांच नहीं है, आगे और भी आएंगे, ये पार्ट वन ऑफ वीडियो कह सकते हो, कॉन्सोल लॉग पार्ट वन समथिंग। बेसिकली हम इस सीरीज में जो कि ये हम एक इंटरव्यू सीरीज का सब सीरीज कह सकते हो आप, जिसमें मैं कॉन्सोल लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा खाली आपसे, ओनली कॉन्सोल लॉक से रिलेटेड, जिसमें आपको मजा भी आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा कॉन्सोल लॉग टू प्लस वन। अगेन ध्यान से देखना, टू ये इंटीजर वाला टू नहीं है, टू प्लस वन थ्री, तो ये तो मुझे पता, सबको पता है, तो ये है इंटीजर, सॉरी ये है स्ट्रिंग, जब डबल क्वोट्स आते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग प्लस वन। सो बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो, और पहले तो मुझे आप आंसर ही बताओ, ऑब्वियसली साइड में लिख लो, सोच लो, कमेंट कर दो, कमेंट भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी पता चलता रहेगा, ठीक है। बट अगर अब मैं इसको करता हूँ इलेबोरेट क्या इसका आंसर हो सकता है, अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो ये है हमारा स्ट्रिंग, राइट साइड है हमारा नंबर, बीच में है प्लस। जब कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां स्ट्रिंग और नंबर के बीच में सिंगल ऑपरेटर और वो भी खासकर प्लस हो, तो उसको एज अ कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर की तरह ट्रीट करता है, मतलब ये जोड़ देता है दोनों को, इसमें ये कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये टू और वन को सिंपली
एक स्ट्रिंग की तरह बना देगा कुछ इस तरह से 21। तो ये याद रखना गाइस, नंबर नंबर होगा तो कैलकुलेशन होगा, स्ट्रिंग नंबर होगा तो हमेशा स्ट्रिंग ही बन जाएगा। ओनली इन द वन केस इफ देयर इज अ प्लस इन बिटवीन ऑफ दीज स्ट्रिंग एंड नंबर। अब ये तो हो गया बहुत बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट की तरफ। प्लस की जगह अगर वन, प्लस की जगह अगर माइनस हुआ फिर क्या होगा? प्लस की जगह अगर हमारा माइनस हुआ तब तो हम कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर नहीं कॉल कर सकते, ये 2-1 तो नहीं होगा। सो अब क्या होगा, क्योंकि साइड में है स्ट्रिंग, यहाँ पे है हमारा नंबर। सो यहाँ पे हम एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्ट्रिंग के साथ ऑपरेटर हो तो वो स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे भैया ये क्या है, ऊपर प्लस था तब क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिंगल प्लस को कंसीडर किया जाता है एज अ कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। अगर आप खोलोगे W3 स्कूल या कोई भी साइट, सो कोई भी दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए आप प्लस यूज करते हो। सो उस केस में वो उस प्लस को ऑपरेटर की तरह नहीं लेगा, एज अ कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर की तरह लेगा कि आप कुछ दो जोड़ रहे हो। तो यहीं पे अगर मैं एक प्लस और ऐड कर दूं 2 के आगे, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है। इसको मैंने किया अनकमेंट और इसका आंसर अब आया हमारा 3। क्योंकि जब भी कोई अब ऑपरेटर यूज करोगे किसी स्ट्रिंग के साथ तो वो उसको एज ए नंबर कन्वर्ट करेगा, जो कि मैंने यहां पे किया। और उसके बाद जो नॉर्मल हमारा नंबर कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद प्लस 1 है, तो प्लस को भी एज ए ऑपरेटर ही लेगा एंड इसका आंसर हमारा इंटीजर में नंबर में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था सारा टाइप कन्वर्शन, आप कह सकते हो स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग का। अब यार 2-1 माइनस तो ऑब्वियसली बात है ऑपरेटर है हमारा, इसमें तो मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ हमारा कन्फ्यूजन था पर यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो दैट्स द रीजन कि माइनस जो है वो जो माइनस 2 है वो 2 स्ट्रिंग हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, इन स्ट्रिंग से नंबर में, देन 2-1 इज सिंपली 1। तो यहाँ पे सारा टाइप कन्वर्जन का खेल आ जाता है जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके हैं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कुछ इस तरह से। सो इसका मुझे आंसर फटाफट बता दीजिए, मैंने आपको ऊपर प्लस माइनस करके सब बता दिया, इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली बताना चाहिए और कमेंट करके तो जरूर बताओ मुझे। 1-1+2 स्ट्रिंग में है 2 और 1 है नंबर, क्या होगा इसका हमारा आउटपुट? सो आई होप यू गाइस evaluate the answer. So, मैं आपको इसको करके बताता हूँ elaborate क्या होने वाला है इसका answer. अब आप ध्यान दीजिएगा guys, ये हमारा operator है plus minus plus. पहले तो हम इसको break down करते हैं parenthesis में। तो अगर मैं 1 को मैं एक parenthesis में ले लूँ, ये हमारा minus 1 string को एक parenthesis में ले लूँ कुछ इस तरह से, और इन दोनों को ही मैं एक parenthesis के अंदर ले लूँ कुछ इस तरह से। अब माइनस वन स्ट्रिंग जो था, जो कि मैंने बताया था ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो ये एज ए नंबर ही कंसिडर करेगा, ये हमारा हो गया नंबर। वन सेकेंड, माइनस वन इतने अच्छी मैथ्स फिलहाल इसमें जरा अनकमेंट कर दूं और हम देखते हैं पहले इसका आउटपुट क्या होगा। ओनली माइनस वन का, माइनस वन का आउटपुट माइनस वन, अभी क्या ही कर रहा हूँ आई डोंट नो। सो ओके, इसका आंसर हमारा हो गया, एक्चुअली मैं मैथ्स बहुत खराब हूँ मैं सही बताऊँ तो, ओके अब माइनस वन इसका हमारा हो गया आंसर, लेफ्ट साइड हमारा 1 है, बीच में है प्लस। अब ये बेसिक मैथ्स आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है ये आपने मुझे ऑब्वियसली आई थिंक 9th हमने पढ़ा था, प्लस 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 माइनस माइनस। सो 1-1 इज 0, 1-1 इज 0 एंड 0+2 is 02। सो जो हमारा पूरा ये एक्सप्रेशन था इसका आंसर हमारा है 02, ये रहा इसका आंसर 02। आई होप गाइस आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, -1 हमारा स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ एज अ -1,
प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 1 माइनस 1 जो कि हमारे नंबर थे इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2, अब प्लस जो है सिंगल है, ऑपरेटर नहीं है, इसलिए 0 प्लस 2 2 नहीं हुआ, ये एक स्ट्रिंग बन गया, 0 प्लस 2, अगेन रिमेंबर मैंने क्या बोला था, यहां पे हमारा अगर 0 होगा, 0 प्लस 2, तो ये नंबर की तरह नहीं, एज अ कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा, ये हमारा स्ट्रिंग है। आई होप आपको ये वीडियो में जो आपको पूरा बताया है जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझ में आया होगा, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो गाइस कमेंट करके मुझे बताओ आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस और चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर इसके नेक्स्ट और पार्ट्स बहुत सारे हैं क्वेश्चन गाइस, भरे पड़े हैं क्वेश्चन मेरे पास, खासकर कुछ इस तरह के कॉन्सोल लॉ क्वेश्चन मैं जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। जाने से पहले न्यूटन स्कूल को जरूर चेक कर लेना, वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर सॉल्यूशन रिलेटेड टू प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ कोर्सेज जो कि हैं बिगिनर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए। ये सारे कोर्सेज मेंटर्ड हैं अंडर टॉप मेंटर्स जो कि काम करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में, और ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 6 मंथ की ड्यूरेशन है, जिसमें आपको कोडिंग रिलेटेड गाइडेंस मिलती ही है, प्लस इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए उसका भी पूरा आपको गाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जिन कंपनीज ने आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं वो भी यार इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट चाहे अज्यूम कर सकते हो 300+ कंपनीज में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इनके कोर्सेज ज्वाइन करते हो। तो अब आप कहोगे यार ये फ्री कैसे हैं, ये जो प्रोग्राम फॉलो करते हैं इसका है जीरो फी टिल प्लेसमेंट अंटिल यू गेट एटलीस्ट 5 लाख पैकेज पर एनम। मतलब यार ऐसी कोई चीज मैंने तो कभी नहीं देखी जिसमें आपको 6 महीने तक 1 रुपया भी पे नहीं करना है, तब तक आपके हाथ में जॉब कम से कम 5 लाख सैलरी जितनी ना आ जाए। तो और जानने के लिए गाइस मैंने लिंक बायो में दे रखा है, जल्दी जाके चेक करो।